हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को SWA के एक अपडेट के बारे में बताऊंगा, जो कि काफी अच्छा अपडेट है। SWA जो है वो एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है राइटर्स के लिए, जिससे राइटर्स को आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाएगा। तो अगर आप एक राइटर है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। SWA एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है जिसका नाम है SWA स्क्रिप्ट लैब 2022। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी ये जो कॉम्पिटिशन है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है राइटर्स के लिए, एस्पायरिंग राइटर्स जो होते हैं, जो स्ट्रगलिंग राइटर्स होते हैं उनके लिए, जिससे उन्हें करेक्ट गाइडेंस मिलेगा, उनको प्रोफेशनल्स की गाइडेंस मिलेगी। और जो भी इस कॉम्पिटिशन में विन करेंगे उनको जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी गाइडेंस तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर का लाइसेंस्ड वर्जन भी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए पूरे लास्ट तक, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सभी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बताता चलता हूं। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी पर, यानी कौन कौन एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एलिजिबिलिटी में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आप इंडियन या फिर NRI भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर है कि जो आप स्क्रिप्ट सबमिट करेंगे वो फुल लेंथ की होनी चाहिए, 70 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए। तो 70 मिनट्स की जो ऊपर की स्क्रिप्ट्स रहती है उन्हें कहा जाता है फुल लेंथ। थर्ड पॉइंट है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो वेल फॉर्मेटेड होनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो पूरे फॉर्मेट में लिखी हुई होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए और जो फॉर्मेटेड स्क्रिप्ट है आपको लिखना आना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, आपकी एज जो है वो 18 अबव होनी चाहिए, यानी 18 प्लस जो है ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिफ्थ पॉइंट पर है कि आप अगर SWA के मेंबर है या फिर आप SWA के मेंबर नहीं भी है तो भी आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट पर है कि आप अगर SWA के मेंबर नहीं है तो भी आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हो या फिर आपके को राइटर के नाम पर रजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी आपकी स्क्रिप्ट जो है वो SWA या फिर WGA से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पर, सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, पूरे राइटर्स में जितने भी राइटर्स वहां पर अपने स्क्रिप्ट को सबमिट करेंगे तो उन्हें पूरी स्क्रिप्ट को सबमिट नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अपने स्क्रिप्ट के पहले 10 पेजेस को सबमिट करना है और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो जो सबमिट करेंगे वहां पर अपने फर्स्ट 10 पेजेस को, उन सभी राइटर्स में से 30 राइटर्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी स्क्रिप्ट जो है वो सबसे अच्छी रहेगी, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा 30 मेंबर से, और फिर उन 30 में से सेकेंड राउंड में फिर 6 को सेलेक्ट किया जाएगा और उन 6 को मेंटर्ड किया जाएगा प्रोफेशनल राइटर से, और फिर उन 6 को मिलेगा फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर का लाइसेंस्ड वर्जन। अब आते हैं सबमिशन रिक्वायरमेंट्स पर, यानी आपको क्या क्या चीजें सबमिट करनी होगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर है, आपको 300 से कम वर्ड्स की अपने स्क्रिप्ट के बारे में एक अबाउट प्रोवाइड करना है, यानी अपने स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताना है कि इसमें क्या है, तो वो 300 वर्ड्स में आपको लिख देनी है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट पर है, आपको अपने बारे में यानी राइटर के बारे में यानी खुद के बारे में आपको 150 वर्ड्स में बता देना है, आपको उससे ज्यादा नहीं जाना है, 150 से कम ही जाना है, लेकिन 150 तक आपको वो बता देनी है, यानी आपको अपना बायो बता देना है। थर्ड पॉइंट है लॉगलाइन, लॉगलाइन जो है वो 40 वर्ड्स का होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सिनॉप्सिस, जो कि 2500 वर्ड्स का होना चाहिए। तो इन सभी में वर्ड लिमिट सेट की गई है, तो आप जरा इन चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है, आपके स्क्रिप्ट के फर्स्ट 10 पेजेस को भी आपको सबमिट करना है। याद रखिएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको फुल स्क्रिप्ट सबमिट नहीं करनी है, फर्स्ट 10 पेज आपको अपने स्क्रिप्ट के पहले 10 पेज को सबमिट करना है, वो भी PDF फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वेल फॉर्मेटेड होनी चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल लिखी हुई होनी चाहिए। आप इन स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से किसी लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि SWA ने ये मेंशन किया है कि जिस स्क्रिप्ट को आप लिख रहे हैं वो टाइप्ड होनी चाहिए और उसमें कूरियर फॉन्ट का इस्तेमाल हुआ होना चाहिए और फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी कि कूरियर फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज 12 क्या होता है, या लॉगलाइन को इतने वर्ड्स में कैसे लिखा जाए, या सिनॉप्सिस को 2500 वर्ड्स में कैसे लिखा जाए। तो ये सभी चीजें मैं आपको बता दूं कि आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स से सीख सकते हैं। देखिए, इस कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग की। आपको
ये नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग तो सिखाई जाती ही है, स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा आपको सिनॉप्सिस राइटिंग, कॉन्सेप्ट राइटिंग, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी स्क्रीन प्ले, फिर टैगलाइन, लॉगलाइन, प्रीमाइस लिखना, स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन कराना, स्क्रिप्ट सेल करना, ये सभी चीजें आपको बताया जाता है उसमें। तो याद रखिए कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं जैसे यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए टू जेड स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन किया है और कंप्लीट कर दिया है, तो उनको ये चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। उनको पहले से ही पता है, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है कि कुरियर फॉन्ट में लिखना है, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, लॉगलाइन की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिनॉप्सिस की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीजें उन्हें मालूम है क्योंकि कोर्स में ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें बताई गई है कि आपको किस फॉन्ट में लिखना है, कैसे लिखना है, सभी चीजें बताई गई है, फॉर्मेट क्या लिखना है, सिनॉप्सिस की फॉर्मेट क्या होती है, स्क्रीन प्ले की फॉर्मेट क्या होती है, वन लाइनर स्टोरी की फॉर्मेट क्या होती है, ये सभी चीजें आपको बताई गई है। तो आप अगर प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं जानते हैं तो अगर आपको सीखना है, मेरे हिसाब से आपको सीखना ही चाहिए, तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद जब आप कोर्स को कंप्लीट कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप फी वगैरह पता कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कोर्स के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो, या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए इस कॉम्पिटिशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो 25th अक्टूबर 2021 तक करवा लेना होगा, तो काफी कम समय बचा हुआ है। देखिए मुझे भी इसके वेबसाइट में इधर रिसेंटली अपडेट आई है तो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश की। तो देखिए अभी ज्यादा समय नहीं बचा आपके पास, तो अगर आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आज से ही लग जाइए, बल्कि अभी से ही लग जाइए इसके तरफ। तो अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस कॉम्पिटिशन में SWA ने एक चार्ज भी रखा है, उन्होंने कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है 1000 रुपीज। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 1000 रुपीज भी वहां पर फी जो है उनकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे करनी पड़ेगी और फिर आपको वहां पर एनरोल करना पड़ेगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको इसमें पार्टिसिपेट करके फायदा यह है कि आपको पहली बात तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर का लाइसेंस्ड वर्जन मिल जाएगा अगर आप जीत जाते हैं तो, और जो मेंटर्स रहते हैं मेंटर्स जो है वो आपकी स्क्रिप्ट को गाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पर एक फायदा है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप SWA के वेबसाइट पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए शॉर्ट में पूरी जानकारी देने की कोशिश की और देखिए अब आपके ऊपर है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर पूरे अच्छे से कीजिए ताकि और भी राइटर्स जो है उन तक ये बातें पहुंचे। तो शेयर पूरे अच्छे से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड अपडेट्स और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोज आते रहते हैं। इनफैक्ट फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, एक्टिंग, इन सबसे रिलेटेड वीडियोज भी आते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।